अब बोलो, अब जरूर करें। क्या लीला है परमेश्वर की, हर सुख किसी को न देता है। कहीं बाप दुखी है बेटा से, कहीं दुखी बाप से बेटा है। हमने तो यहाँ तक देखा है, बहुत सुंदर। आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी किसी कारण से हर कोई दुखी है। कोई दुखी, कोई दुखी संतान से और कोई संतान को, कोई दुखी संतान से और कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से और कोई सम्मान को। दुखों में बड़ा दुख है अपने शरीर का, भोगता है पानी फल अपनी तकदीर का, भोगता है पानी फल अपनी तकदीर का। अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, किसी न किसी कारण से हर कोई दुखी है। तो कथा में चल रहे थे, वो था, देखो कथा में चलते हैं, भटक जाएंगे। प्रतीक नाम के जो राजा थे उनके संतान नहीं थी, तो राणा राजे राजा और रानी दोनों ही, एक उनको होश तब आया जो एक उम्र बढ़ने लगी, उम्र बढ़ने लगी तब ध्यान आया राजा ने, हाँ तब ध्यान आया, बच्चा नहीं है। तो उन्होंने देखी क्या करूं क्या करूं, अकेले रहने के, तो उन्होंने, जब आदमी की जिंदगी में अंधेरा सा जाता, कोई अपना दिखाई नहीं देता, तब भगवान भगवान की तरह भगवान दिखाई देता है। तो उन्होंने बोले रानी से कुछ करते हैं, तो एकदम पूजा करने लगे। और पूजा किसकी की, प्रार्थना किसकी थी, गंगा जी की उन्होंने की। कीनो गंगा जी को ध्यान रे दोनों ने रटने लगाए, जंगल में पहुंच गए और गंगा जी की प्रार्थना करने लगे दोनों, प्रतीक और उनकी रानी, रानी। अरे कीनो गंगा जी को ध्यान रे दोनों ने रटने लगाई, एक ही बात दोनों कह रहे हैं। अरे काहे विपदा मोपे भारी, प्रभु जी कोई न भाओ मेरे अवतारी। अरे मैं तो रोए रोए कर रहे ध्यान लगाई। देखिए भक्ति में कितनी बड़ी ताजीर होती है। अरे प्रकट भई गंगा महारानी, प्रकट भई गंगा महारानी, और वे बोली बोलो राजा रानी। अरे कहा तुम्हारो ध्यान रे दोनों ने रटने लगाई, बोले क्या चाहते हो तुम लोग दोनों बोलो। तो एकदम प्रतीक एक शब्द एक बोल गए, माँ गंगा मैं चाहता हूं तुम मेरे पुत्र की बहू बनो। प्रतीक बोले मेरे पुत्र की तुम पत्नी बनो। तो गंगा जी बोली इसके तो पुत्र है ही नहीं अभी, पहले तुम पुत्र पैदा करवाए इसके। देखो दोनों बातें बोल गए। तो बोले बड़ा अच्छा लगा प्रतीक, तो बोले ठीक है प्रतीक, बिल्कुल ऐसा करूंगी, तुम जाओ और हमारे तुम्हारे बेटे की मुलाकात यहीं पर होगी जंगल में। तो प्रतीक चले जाते और वहां पर बैठते आकर के। एक दिन क्या हुआ, वृद्धावस्था में राजा ने को लला भाव तो यो तारी, जब संतनु रखे तो नाम रे सुन लो सरदारी। महाराज लला तो चतुर चुके गुणधाम, चतुर ब्राह्मणों ने बेटा को धरो है संतनु नाम। संतनु अब द्वारे पे बधाई बज रही, बज रही, बड़ा खुश होने, बड़ा खुश है, बहुत अर्थ दान दुटवा दिए, बहुत खुश हो गए। धीरे धीरे समय बढ़ता गया बढ़ता गया। एक दिन प्रतीक शीशा के सामने खड़े हुए थे, या उन्होंने पानी में देखा, एक बात उन्होंने देखी, बालों
बगल में जब बाल सफेद को पड़ने लग जाए तो समझ लो नोटिस आ चुका है, नोटिस आ चुका है, कानों के बगल बगल के बाल सफेद पड़ जाए तो समझ लो नोटिस बुढ़ापे का आ चुका है। और दो चीज जिंदगी में कभी किसी का इंतजार नहीं करती है, यथार्थ सत्य है, एक मौत एक बुढ़ापा। तुम कौन से शहर में, कौन से नगर में, कौन से घर में, कहीं भी हो, ये अपने आप पता लगा लेती है, अपने आप पहुंच जाती है अपने आप पहुंच जाती है। और चारों जो पन होते हैं बचपन, बचपन में खेले खाए खूब कदे पट्टी टोरी जे करे मस्त करे बड़े आनंद आए, जवान जवानी आई कमाए खाए सोए घर भाई के संग मौज उड़ाए, उसके बाद में तब बुढ़ापे ने गई हटो न के यार तुम इधर हटो और नंबर मेरा है, तो बाने गई तो बुढ़ापा आया ऐसे पैर जमाए खटिया पे पड़े रहे खांची खुल्ला खटिया की पार्टी पकड़ के मैं खुल खुल करते तभी तो कह रहे योगा में चले गौर वर्मा जी खुल खुल कर जरूरत न पड़ेगी एकदम से करके तब तक जाएगी मौत, मौत ने की बुढ़ापा और सटपत हूँ और नंबर हमारा है। इसलिए दो चीजें कभी आदमी का ढूंढनी नहीं पड़ती है, ना इनको कोई ढूंढता है, स्वतः ही ढूंढती है। तो प्रतीक ने देखा मेरे बाल सफेद हो रहे हैं तो उन्होंने देखा बालों ने कहा इशारों में जब बालन भाव धरो राजन, बालों ने कहा अब बालपन मत रखो तुम, बालों ने कहा बालपन मत रखो बचपना मत छोड़ दो, बालों ने कहा इशारों में जब बालन भाव धरो राजन है बाल बाल के साथ काले बालों का ध्यान करो राजन। राजन ने सोची बुढ़ापा आने वाला है, एकदम ने बेटे शांतनु को बुला के आए बेटा हमारा भजन करने का समय आया है और एक बात तुमसे ध्यान देगी जो आज तक छिपा के रखी है। बोले क्या, जब तुम जंगल में शिकार करने के लिए जाओगे तो तुम्हें सुंदर सी मिलेगी सुकुमारी है बे बनेगी नारी तुम्हारी है जे अंतिम बात हमारी है बाबू खुश रखी और या तिवारी है। कहने लगे पिताजी ये बात है हाँ। तो शांतनु को छोड़ करके प्रतीक अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद में शांतनु ने सोचा वो बात तो उन्होंने ध्यान में तो थी शिकार करने के लिए जंगल में गए, तो जंगल में जा रहे थे एकदम देख रहे पड़े कि शिकार के पीछे शिकार, तो बोले उन्होंने देख रहे हैं बहुत जा रहे जंगल में पेड़ों के पीछे देख रहे हैं बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई, बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई। उन्होंने देखा ये तो देवता लोग थे सुंदरता चाहे वैसी सुंदरता बना ले, गंगा जी खड़ी हुई थी वहां पर और लड़की को सुंदर को देख करके शांतनु के दिमाग में झटका लगा तो हो न हो ये वही लड़की हो जो पिताजी बताते थे, तो एकदम देखते ही रह गए। बात मतलब ये तो है अरे लड़की देखी या जो संतन को बे तो देखे देखे रह जाए हर चारो यखिया एक मिल हो गई गई यखियन में आख नवाज। हम क्या कहते हैं अरे प्रीति नगरिये परदेसी से यखिया रोए रोए गिर पड़ोसी लेकिन अरे प्रीति पड़ोसी की रही अच्छी जाके नए रोज व्यवहार प्रीति विदेशी की रही अच्छी है डंक की बेल मिल दिनेश कुमार डंक की बेल मतलब डंका की चोट मिले अच्छा विदेशी से बीड़ी पीने वाले को मजा बीड़ी पीने वाले को मजा बीड़ी के सुलगाने में है गुरु जी को पूरा मजा योगा के करवाने में है पूरा अरे गुरु जी को आए पूरा मजा साहित्य को सुनाने में है वर्मा जी को है पूरा मजा अंग्रेज इनको फुसलाने